हेलो गाइस, मेरा नाम करण है और एक मैं और न्यू वीडियो के साथ आया हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्ती ये वीडियो होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपके लिए होगी। तो इस बात करने वाले हैं एक न्यू इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में जो कि बजाज चेतक और से भी बहुत ही बेटर आपको ये रेंज देने वाली है और बहुत ही यहाँ पास लुक इसका गजब का मिलने वाला है। तो इस वीडियो में बने रहे और लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। यदि आपको डीलरशिप चाहिए इस स्कूटर का तो आप ले सकते हैं और इसकी फुल जानकारी आपको मिल जाएगी। आंध्र प्रदेश स्थित ईवी स्टार्टअप कंपनी एब्रा इलेक्ट्रिक ने अपनी जो न्यू इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया है उसका जो रेंज है वो काफ़ी ज़बरदस्त मिलता है जिसका नाम है एब्रा रेट्रोसा। और ये इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है तो काफ़ी कमाल की है और काफ़ी ज़बरदस्त है। और इसमें कलर ऑप्शन की बात की जाए तो इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, जैसे कि ब्लू, रॉयल ब्लू, वाइट, रेड, ग्रे और सनराइज येलो, और इसके साथ साथ रोज़ पिंक भी मिलते हैं। तो कलर ऑप्शन इस स्कूटर में बहुत सारे मिल जाते हैं। यदि आपको ये इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना है तो आप ले सकते हैं। और इस स्कूटर की यदि रेंज की बात की जाए तो इसका जो रेंज है वो 140 से 160 किलोमीटर तक का रेंज मिल जाता है पर चार्ज। तो इस स्कूटर का जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा मिलता है अदर स्कूटर के मुकाबले, जैसे कि बजाज चेतक हो गए, TVS iQube हो गए, तो उससे भी ज़्यादा इसमें रेंज मिल जाता है इस स्कूटर में देखने को आपको मिल जाएगा। ये बेसिकली जो है तो मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो कि 50% इसमें मेड इन इंडिया कंपोनेंट्स हैं वो यूज़ किए गए हैं इस स्कूटर पे। और इस स्कूटर की यदि मोड्स की बात की जाए तो इसमें दो मोड्स मिलते हैं जो कि फर्स्ट मोड है इकोनॉमी मोड और सेकंड जो है तो स्पोर्ट मोड। और इस स्कूटर का जो स्पीड है, टॉप स्पीड है, वो काफ़ी ज़बरदस्त मिलती है। जैसे कि फर्स्ट मोड पे जो इको मोड्स पे है वो है 45 किलोमीटर प्रति आवर का स्पीड मिलता है और सेकंड जो मोड है उस पर मिलता है आपको 19 किलोमीटर प्रति आवर का यहाँ पास टॉप स्पीड देखने को मिल जाएगा। इस स्कूटर की यदि मोटर की बात करें तो इस स्कूटर में जो मोटर मिलती है वो 3 किलोवाट्स की मोटर मिल जाती है जिसका इसमें BLDC मोटर यूज़ की गई है। और इस स्कूटर में यदि और फीचर्स की बात की जाए तो काफ़ी कमाल के फीचर्स इस स्कूटर पे दिए गए हैं, जैसे कि चार्जिंग टाइम की बात की जाए, यदि आप अपने घर पे इस स्कूटर को चार्ज करते हो तो इसमें 3 से 4 आवर्स पे फुल चार्ज हो जाएगी बैटरी। और यदि आप फास्ट चार्जिंग के हेल्प से इसको चार्ज करना चाहते हो तो 1 से 2 घंटे में इसकी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी। तो यहाँ पास बहुत ही कमाल के इसमें जैसे कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिल जाता है, तो बहुत अच्छे फीचर्स इस स्कूटर पे देखने को मिलते हैं। इस स्कूटर में यदि बैटरी की बात की जाए तो लिथियम आयन की बैटरी दी जाती है जो कि 2.6 किलोवाट्स की बैटरी मिलती है। और यदि बैटरी कैपेसिटी की बात की जाए तो 72 वोल्ट की इस पे बैटरी देखने को मिल जाती है। और इस स्कूटर में यदि सस्पेंशन की बात की जाए या बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो इस स्कूटर का जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी कमाल का है और इस स्कूटर का लुक भी काफ़ी ज़बरदस्त लगता है। इसके फ्रंट पे गोल हेडलैम्प मिल जाते हैं और जो कि साइड पे आपको टर्न इंडिकेटर लाइट भी दी जाती हैं जो कि LED दिया जाता है। और फ्रंट में एफ्रॉन के साथ इस स्कूटर को बनाया जाता है। इस स्कूटर पे यदि सस्पेंशन की बात की जाए तो इसमें जो फ्रंट सस्पेंशन है वो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और हाइड्रोलिक सस्पेंशन के टाइप्स इसमें दिए जाते हैं। और रियर सस्पेंशन दो है तो डुअल शॉकअप के साथ इस स्कूटर में दिए जाते हैं सस्पेंशन। और इस स्कूटर की यदि कर्व वेट की बात की जाए तो इसका जो कर्व वेट है वो 88 kg कर्व वेट है जो कि काफ़ी कम इस स्कूटर का कर्व वेट है। और लोड कैपेसिटी यदि इसमें बात की जाए तो 160 kg इस स्कूटर में लोड कैरी कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। अब इस स्कूटर में जो एडिशनल फीचर्स हैं उसमें बहुत सारे एडिशनल फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि फुटरेस्ट, लो बैटरी इंडिकेटर, USB पोर्ट, ब्लूटूथ सिस्टम, तो इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात यदि बात की जाए इस स्कूटर की प्राइस की जो थी, एक्स शोरूम प्राइस इस स्कूटर जो है वो है 1.19 लाख के अप्रॉक्स इस स्कूटर का प्राइस मिलता है। अब वारंटी की बात की जाए तो इस स्कूटर में जो वारंटी मिलती है वो है मोटर की वारंटी जो है तो 3 ईयर की मोटर की वारंटी कंपनी देती है और 5 ईयर की जो बैटरी की और चार्जर की यहाँ पास वारंटी मिल जाती है।
इस स्कूटर को यदि आप लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पे इसकी फुल डिटेल आपको मिल जाएगी और एड्रेस भी आपको मिल जाएगा, जो कि आप यदि लेना चाहते हो तो उस जगह से जाकर ले सकते हैं। यदि आपको डीलरशिप भी जाइए तो नीचे कॉन्टैक्ट लिस्ट पे आप देख सकते हैं, उसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप इस स्कूटर का डीलरशिप भी ले सकते हैं। और इसका जो रेंज है वो काफ़ी ज़बरदस्त मिलता है, 140 से 160 के बीच में रेंज मिल जाता है और इस स्कूटर का प्राइस भी बहुत ही कम रखा गया है। यदि आपको ये इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।